आज हम लोग बात करेंगे कोणार्क मंदिर के बारे में। ये इंडिया के ओडिशा राज्य में जगन्नाथ पुरी से 36 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है, जो इंडिया के 8वीं वंडर में से एक है। कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा लांगवनरसिंह देव के द्वारा निर्माण किया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। कोणार्क शब्द संस्कृत से लिया गया है, जो कोण और अर्क शब्द के मेल से बनता है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से किनारा होता है। ये टेंपल दुनिया में उसके दीवार में खुदे गए चित्र के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। ये चित्र उड़िया शिल्प के कौशल का श्रेष्ठता को दर्शाता है, इसलिए ये मंदिर को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता प्राप्त हुआ है। ये मंदिर का आकार सूर्यदेव के रथ के जैसा बनाया गया है। इस मंदिर में 12 पहिया लगा हुआ है, जो साल की 12 महीना को दर्शाता है, और ये पहिया सूर्य की अवस्थिति के हिसाब से एक्यूरेट समय भी बताता है, इसलिए इसे सनडायल और धूप घड़ी भी बुला जाता है। इस रथ में 7 घोड़ा भी है, जो सूर्य के 7 रंग के साथ सप्ताह के 7 दिन को भी दर्शाता है। इस मंदिर के सामने एक मानव की मूर्ति हाथी और सिंह के नीचे दबे हुए देखने को मिलता है, जो ये दर्शाता है कैसे मानव अपनी अहंकार और संपत्ति के कारण नष्ट हो जाता है। इस मंदिर में एक मुख्य मंदिर जिसे गर्भद्वय भी बोला जाता है, एक मंडप जो कि जगमोहन और एक नृत्य गृह भी है। इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया है जिससे सूर्य का पहली किरण नाट्य मंदिर से होके सीधा मुख्य मंदिर के अंदर रखा हुआ सूर्य की प्रतिमा के ऊपर पड़ती है। इस मुख्य मंदिर के चोटी में एक विशाल 52 मेट्रिक टोन की चुंबक लगाया गया था, जिससे मुख्य मंदिर के अंदर सूर्य की प्रतिमा झूलती हुई अवस्था में रहती थी। इस विशाल काय चुंबकीय के वजह से जब सामुद्रिक जहाज वहां से गुजरते थे, उनका कंपास काम करना बंद कर देता था, जिसके वजह से जहाज गलत डायरेक्शन में चला जाता था और दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। इसलिए उस टाइम लोग डर के इसे ब्लैक पगोड़ा नाम से भी बुलाते थे, क्योंकि दूर से ये मंदिर ब्लैक दिखता है। बहुत सारे जहाज के गायब होने की वजह से पर्तुगीज मंदिर से वो चुंबकीय पत्थर को निकाल दिए थे। चुंबकीय पत्थर को निकालने से मुख्य मंदिर का संतुलन बिगड़ने लगा और वो ध्वस्त हो गया। अब ये मंदिर आंशिक रूप से नष्ट हो चुका है, लेकिन आज भी ये पर्यटक का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जहाँ जाने से लगता है जैसे पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ हो।